अलका सी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट पे बात करने वाली हूँ उसको लेकर के मैंने बहुत ट्राई किया उसको, एंड उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में उसका रिव्यू शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको जो भी रिव्यूज़ मिलेंगे ना वो ऑनेस्ट मिलेंगे, एंड मेरा ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट आया और मैंने उसका रिव्यू दे दिया। नहीं, मैं पहले प्रोडक्ट को अपने स्किन पर यूज़ करती हूँ एंड देन ओनली आई शेयर माई पर्सनल ओपिनियन ऑन दैट प्रोडक्ट। तो आज जिस प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं वो काफ़ी ट्रेंड में है, और वो प्रोडक्ट है ये अनलॉक मिक्सीफाई स्किन सीरम स्किन ग्लो। ये तीन वेरिएंट्स में आता है, तीन टाइप्स के आते हैं, एक एंटी एजिंग है, एक एक्नी टोन के लिए है, ब्लू एक ब्लू बॉटल में आता है और एक मुझे पता नहीं है। तो ये कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आपको मिल जाएगा, एंड ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अदरवाइज ये इस तरह का गिर जाएगा। तो ये ऐसा कुछ आता है, एंड यहाँ पे डायरेक्शंस लिखे हुए हैं, डायरेक्शंस फॉर यूज़, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। स्टेप वन दिया हुआ है, ट्विस्ट कैप टिल इट क्लिक्स ओपन, पंप आउट 2-3 ड्रॉप्स। स्टेप टू में है, मिक्स विद योर डेली क्रीम, सनस्क्रीन, लोशन और मॉइस्चराइजर। स्टेप थ्री में है, अप्लाई ओवर क्लेंस्ड फेस एंड नेक, शेक वेल बिफोर यूज़। इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट है, वाइटामिन सी है, मलबरी एक्सट्रैक्ट है, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल है, इस तरह के इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। एंड इसमें कॉशन में दिया हुआ है, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई एरिया, प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आप देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्रुएल्टी फ्री है, सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, 100% वेगन है, एंड प्राइस इसका 499 है, बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 2 ईयर्स है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, एंड 30 ml क्वांटिटी के साथ में ये आता है। अब मैं बात करती हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में। तो ये प्रोडक्ट आप ऐसे इसको खोलना होता है आपको, इस तरह के ड्रॉपर बॉटल में आता है। बॉटल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये ग्लास की बॉटल है, रीज़न बीइंग कि इसमें जो भी एसिड्स वगैरह रखे हुए हैं वो इसमें काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं, इसलिए ग्लास की बॉटल यूज़ करी हुई है। एंड दिस इज़ माय सेकंड बॉटल, एक मैं यूज़ कर चुकी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्स्चर। तो ये कुछ इस तरह से पेल येलो कलर में आता है, एंड इसको मैंने अपने फेस पे लगाया। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपको ना डायरेक्टली इसको अपने फेस पे नहीं लगाना है, अदरवाइज़ क्योंकि एसिड्स हैं आई गेस, तो वो हार्म करेगा आपकी स्किन को। इसके लिए आप इसको कभी भी लगाएं तो आपके मॉइस्चराइज़र के साथ या फिर आपके नाइट क्रीम के साथ आप मिक्स करके इसको लगाएं। इन्होंने लिखा हुआ है पैकेट पे कि इसके ये आउटर बॉक्स पे कि आप इसको सनस्क्रीन के साथ भी मिक्स कर सकते हो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आप इसको दिन में अवॉइड ही करो, आप दिन में इसको ना लगाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिन में लगाने पे ये थोड़ा सा इसका इफ़ेक्ट नेगेटिव वे में चला जाता है। एंड ये क्लेम करता है कि ये डेड स्किन को रिमूव करेगा, एंड आप देखो मुझे लगता नहीं कि इसने मेरे स्किन पे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, मुझे सीरियसली मुझे कुछ भी ऐसा कुछ चेंजेस नहीं लगते अपने स्किन पे। हाँ, ये डेड स्किन को रिमूव ज़रूर करता है, बट आप चाहो तो आप एक ट्राई दे सकते हो इसको, 499 में लेते हो अगर आप। इस पर मुझे कहीं कोई डिस्काउंट दिखता नहीं है, मैं जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं मैं नाइका से ऑर्डर करती हूँ, बट मैंने ये वाला जो पहले वाला जो मैंने लिया था उसको मैंने purple.com से मंगाया था, एंड ये डेड स्किन को रिमूव कर देता, बट ये क्लेम करता है कि ये एक्सफोलिएट एंड ब्राइटन्स करेगा आपकी स्किन को, तो ये कुछ भी ब्राइटन नहीं करता। अगर आप स्किन ब्राइटनिंग के लिए इसको ले रहे हो तो इट डजंट वर्क, सीरियसली इट डजंट वर्क। एंड मैं तो आप लोगों को रिकमेंड भी नहीं करना चाहती ये प्रोडक्ट कि आप खरीदो, क्योंकि पहली चीज़ तो ये केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, एंड दूसरी चीज़ आप अगर इसको रात को अप्लाई करते हो आपके स्किन पे तो आपको नेक्स्ट डे अगर आप सन में जाते हो तो आपको बहुत ही एक्स्ट्रा केयर अपने स्किन की करनी होती है, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा हार्मफुल रहेगा आपके स्किन पे। आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, अगर आप घर पे भी रहते हो तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, और कुछ ऐसा इम्पैक्ट भी स्किन पर आया नहीं है। मैं आपको इसका टेक्स्चर एक बार दिखा देती हूँ कि ये कैसा है। तो कलर मैंने आपको बता दिया है, पेल येलो में है, एंड ये बहुत ही रनी कंसिस्टेंसी है इसकी। आपको इस तरह से लगाने के बाद, हालांकि मैंने हाथ पे डायरेक्टली लगा दिया, बट आप जब भी फेस पे लगाएं तो आप किसी ना किसी चीज़ के साथ में इसको मिक्स कर लें, कहीं भी आप मॉइस्चराइज़र के साथ में, तो इस तरह से आपको लगाना है।
एंड अभी मेरे स्किन पे बहुत मुझे ऐसा वॉर्म काइंड ऑफ फील हो रहा है, तो आप फेस पे भी लगाओगे तो भी आपको लगेगा ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़ा सा शाइनिंग सा हो गया है बिकॉज सीरम है तो ऑफकोर्स शाइनी इफेक्ट तो आएगा ही। यहाँ पे मैंने कुछ भी लगाया नहीं, बाकी ऐसे गोरे काले वाला कोई डिफरेंस नहीं है। एंड मैं इसको फेस पे भी लगाती हूँ ना तो मुझे ऐसा थोड़ा सा वार्मनेस फील होती है, ऐसा लगता है थोड़ा सा गर्म गर्म सा कुछ फील होता है। आई डोंट नो, ये मुझे ही फील होता है या सभी को फील हो रहा है, अभी मुझे हाथ पे भी फील हो रहा है। तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हो प्रोडक्ट को लेकर के, तो मैं ये प्रोडक्ट को आई डोंट नो वाई बट मैं इसे रिकमेंड नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि एक तो ये थोड़ा सा मुझे रिस्की लगता है। रीज़न बिंग कि हम बहुत ज़्यादा स्किन लाइक कोरियंस की तरह अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पाते हैं। हाँ, जो लोग करते होंगे वो करते होंगे बट मैं नहीं कर पाती। तो इसके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको लगाते हो तो आपको नेक्स्ट डे आपकी स्किन की एक्स्ट्रा केयर करनी होगी, आप घर पर आपको सनस्क्रीन लगाना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं लगा पाती हूँ सनस्क्रीन, बट ये लगाने के लिए हमें रिलीजियसली फॉलो करनी होगी सनस्क्रीन। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप इसको लेते हो, आप एक ट्राई करना चाहते हो तो आप इसको ले लो। स्टार्टिंग में आप ऑल्टरनेट डेज में इसको लगाओ, इसके टू थ्री ड्रॉप्स लेकर के एंड फिर आप धीरे धीरे इसको इंक्रीज कर सकते हो 4 to 5 drops में। आप अचानक से एकदम से इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना लगाएं। तो बाकी मेरी पर्सनल राय यही है कि इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये कुछ भी इफ़ेक्ट इसका कुछ भी स्किन पर आता नहीं है। मेरी स्किन पर इसका कोई एक सिंगल परसेंट इफ़ेक्ट नहीं आया है, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी आप लोगों को। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप कर लो। तो ये था मेरा वीडियो, बाय।